الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا فجرت نساؤكم وفسق شبانكم؟ قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفس محمد بيده سيكون وأشد منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا لم يؤمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر؟ قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده سيكون وأشد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا رؤي المنكر معروفا والمنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده سيكون أشد منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أمر بالمنكر ونهي عن المعروف؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم لوگ جس دن پیدا ہوئے اس دن ہمارے کاموں میں اذان بھی کہی گئی اور اقامت بھی کہی گئی، دائیں کان میں اذان کہی گئی اور بائیں کان میں اقامت کہی گئی. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اس اذان کے ایک ایک لفظ کی تفسیر کرتے تھے کہ گویا مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو پہلے ہی دن سے یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے
कि बेटा अभी तक तो दुनिया में आज आया है, लेकिन सुन ले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जैसे जैसे तू बड़ा होगा, ऐसे दुनिया की शक्लों को भी तू बड़ी बड़ी शक्लों में देखेगा, एटम की शक्ल में, तलवार की शक्ल में, मकानों की शक्ल में, ट्रेनों की शक्ल में, बड़ी बड़ी ताकतों को, ऊंट को, हाथी को, बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़ी बड़ी ताकतों को देखेगा। लेकिन तू के तू मुसलमान के घर में पैदा हुआ है तो तेरे दिल में अल्लाह ही की बड़ाई आनी चाहिए कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। मैं जितनी बड़ी बड़ी शक्लों को देख रहा हूं वो सब अल्लाह के मुकाबले में छोटी। एक बात ये भी फरमा देते हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कि इस मेहनत के जरिए से ये बात चाही जा रही है। ऐसे तो दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें हैं, लेकिन चार ताकतें सबसे बड़ी है जो अल्लाह ही की बनाई हुई। एक जमीन अल्लाह की बनाई हुई है, ताकतवर है। हवा अल्लाह की बनाई हुई है, ताकतवर मखलूक है। आग ये भी अल्लाह की बनाई हुई है। أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون। मेरे बंदो तुम जो आग जलाते हो और आग से रोशनी हासिल करते हो, उस आग में जलाने के लिए दरख्तों की लकड़ियां किसने बनाई? अल्लाह ने पैदा की कि तुमने पैदा की? आग भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। और एक चौथी मखलूक पानी की है। पानी की अल्लाह ही आसमान से बरसाता है, कुओं में से भी अल्लाह ही पानी निकालता है। जिस जगह से अल्लाह निकालना न चाहे पानी, तो चाहे 1,000 फुट नीचे चले जाओ वहां से नहीं निकल सकते। कुल अराईतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ। اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نادان انسان ہم کو نہیں پہچانتے ان کو ہماری پہچان کرانے کے لیے یہ بات فرما دو کہ زمین میں اللہ بالکل تہ میں پانی اتارتے، تو تم میں سے کون ہے جو زمین میں سے پانی کا چشمہ جاری کرے؟ یہ اللہ ہی کا کام ہے، کسی کا کام نہیں۔ पानी को जमीन से निकालने वाला, बादलों से बरसाने वाला, समंदरों में बहाने वाला, एक ही अल्लाह है। तो ये चार बड़ी बड़ी ताकतें हैं, लेकिन चार मरतबा शुरू में अजान में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर चार मरतबा कहा है। ये इसी इशारा है इसमें कि चार ताकतें बड़ी बड़ी है, तो कम से कम दुनिया की और ताकतों को नहीं गिनवाया, वरना बहुत लंबा फेरिश हो जाए। जमीन इतनी ताकतवर अल्लाह की मखलूक है कि वो जब तक खड़ी हुई है और जमी हुई है तो मकान भी बना रहे हैं, ट्रेनें भी दौड़ रही है और बसें भी दौड़ रही है और इंसान भी चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जरूरतें पूरी कर रहे हैं। चंद सेकंड के लिए अल्लाह इस जमीन को हिलने का हुक्म दे दे और 2-3 करवटे ले ले रहे तो लाखों लोग जमीन में दफन हो जाए, इनकी कब्रें भी नसीब नहीं होगी, इनके बंगलों के साथ अल्लाह जमीन में ले जाते। ये जमीन बंगलों के साथ अंदर ले ले। क्या अल्लाहु अकबर मिन अल मा, पानी की ताकत से भी बड़ी ताकत वाला अल्लाह। वो मैं आपको अल्लाह ने ताकत दे दी थी, एक एक आदमी 30 फुट का 60 फुट का लंबा होता और कहते थे, दावा कर दिया, मन अशक्तु मिन्ना कुवा, कौन है जो हमारे मुकाबले जाए, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? तो अल्लाह ताला ने तेज हवा चला के कागज के पुर्जों की तरह उड़ाया और पहाड़ों से टकराया और लंबी लंबी लाशें जमीन पर गिरी थी। अल्लाह ने फरमाया, हमने उस कौम को ऐसे पछाड़ा है जैसे खजूर के लंबे लंबे दरख्त जमीन पर सो जाते, पूरी जमीन लाशों से भर गई।
ہر مسلمان کے بچے کو پیدائش کے پہلے دن یہ سبق پڑھایا گیا ہے, خبردار خبردار کسی بھی مخلوق کی بڑائی کو اپنے دل میں مت اتارنا, محنت کر کے اللہ ہی بڑا ہے, اس کی اس کے اثرات اللہ کی بڑائی اپنے دل میں اتارنا. آج ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمارے ہر ایک اپنے دل میں ٹٹول ہے, سب کی بڑائی اندر ہے, اللہ کی بڑائی نہیں ہے. اس کی یہ محنت ہے دعوت کی محنت. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی نوجوان اپنے جوانی کے نشے میں 100 کی 120 کی اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا ہے, بھول گیا اور اندر خون گانا بج رہا ہے اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں گاتا جا رہا ہے اور اچانک سگنل کے بعد پہنچ گیا چار رستے پر, اور جیسے وہ پہنچا اوپر کرنے جا رہا تھا اتنے میں لائٹ ہو گئی اور پولیس والے نے سیٹی بجا کر ہاتھ کر دیا. اب اس کی طاقت ہے کہ وہ آگے بڑھے, اس کو خبر ہے, ساری سزاؤں کی خبر ہے کہ کیمرا میں بھی آ جائے گا, میمو بھی پڑھے گا, پولیس والا بھی ڈنڈے مارے گا, زیادہ بحث کروں گا تو وہ فوراً اس کی بریک پر پیر جائے گا اور گاڑی گاڑی کر دے, لیکن وہ گانا بند نہیں ہو رہا, ابھی گانا بند رہا. حالانکہ پولیس والے سے لاکھوں گنا زیادہ طاقت والا اللہ ہے اور اس اللہ کا کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہے گاڑی میں, تو وہ اللہ کی بڑائی دل میں نہیں ہے, پولیس والے کی بڑائی ہے, حکومت کی طاقت کی بڑائی ہے, تو اس کی وجہ سے اپنی گاڑی کو روک لیا. لیکن ایمان بگڑا ہے, دل میں اللہ کی بڑائی پر محنت نہیں کی تو وہ گانا بجا رہا. حالانکہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں میں میوزک کو مٹانے کے لیے آیا ہوں, ڈول بازوں کو اور میوزک کو میں مٹانے کے لیے آیا ہوں, اور یہ مسلمان سن رہا ہے. اللہ کی بڑائی نہ ہونے پر, اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غریب کیا مالدار کیا چرواہا کیا جوان بیٹی ہر ایک کے اندر اللہ کی بڑائی, اللہ کا خوف, اللہ کا دھیان ان کے دلوں میں ہوتا تھا. بلکہ صحابہ تو ہیں اللہ کے نبی کی صحبت یاد تھا, لیکن ان کے بعد والوں میں تعبیر اور کمی تعبیر میں حضرت شیخ رحمت اللہ نے لکھا کہ ایک بچہ, کچھ بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ رو رہا تھا, تو بہلول مجنون رحمت اللہ علیہ اللہ والے وہاں سے گزرے تو وہ یہ سمجھے کہ اس بچے کے پاس اخروٹ بادام نہیں ہے, اس کے لیے وہ رو رہا ہے. کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو, چلو تم کو بھی میں اخروٹ بادام دلا دوں, کیوں رو رہے ہو؟ کہا بے وقوف, دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے. تو بہت سمجھدار لگتا ہے بیٹا, تو پھر کس نے پیدا ہو؟ دین سیکھنے کے لیے, دین پر عمل کرنے کے لیے, دین کو دنیا میں سیدھا کرنے کے لیے پیدا ہوئے. اچھا بیٹا, یہ بچپن میں بھی اسے کچھ اشعار پڑی کہ میرا کیا بنے گا قیامت کے دن جب اللہ میرے خوبصورت چہرے کو جلائے گا, ایسے کچھ اشعار پڑے تو حضرت نے اس بچے کو چپ کیا, تسلی, بیٹا ابھی تو نابالغ بچہ ہے, 15 سال کے اندر تو بالغ ہوگا, اس کے بعد تیری نیکیاں اور گناہ لکھے جائیں گے, ابھی سے اتنا تیرے دل میں خوف ہے, 5 سال کا بچہ ہے. کہا بہلول ہٹ جاؤ, میں نے گھر میں دیکھا ہے کہ میری ماں جب چولہا جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے, پھر بڑے لکڑے رکھتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دوسرے کو جلانے میں وہ چھوٹے بچے کو چھوٹی لکڑی کی جگہ پر میں ڈال دی, چھوٹے بچوں میں ڈال دی. یہ خالی ہسٹوریا نہیں ہے, یہ زندگیاں بھی ایسی اور یہ محنت کر کے بنائی تھی. ہاں, یہ آج کل یہ جو ہسٹوریا بناتے ہیں وہ ایسی ہسٹوریا نہیں ہے, یہ سچی باتیں ہیں. ایسا بھی زمانہ دیکھا ہے آسمان و زمین نے, ایک چرواہا ہے سب کے دھوپ میں بکریاں چرا رہا ہے, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھے, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, چرواہا پاس کے سے گزرا بکریوں کو لے کر, کہا بھائی کھڑے رہو, السلام علیکم, وعلیکم السلام, آ جاؤ کھانے کے لیے. حضرت میرا تو روزہ ہے, ایسی گرمی میں اور نفل روزہ رکھتا ہوں. کہا حضرت میں آخرت کی تیاری میں لگا ہوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا
کہ جب جنت کی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت کے لوگوں کو اللہ فرمائیں گے قلوا واشربوا حنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیا, میرے بندو خوب کھاؤ مزے سے کھاؤ پیو اور میری جنت میں رہو. یہ بدلہ ہے ان دنیا کی گزرے ہوئے زمانے کا کہ جس میں تم اچھے اعمال کر کے حصول کر کے آئے, زندگی کو حصول کر کے آؤ. اس لیے وہ تو آخرت کی تیاری میں لگا ہوں. جو آخرت کی تیاری میں لگے اس کے کیا سردی کے روزے اور گرمی کے روزے, اس کے لیے سب برابر ہے. آج وہ چیز ہمارے یقین سے نکل چکی ہے. مرنا ہے, حساب دینا ہے, جنت آئے گی سامنے, جہنم آئے گی. اسی لیے ہمارا آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں بھی ہمیں آخرت کا دھیان دلایا. جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ سب سے پہلے بستر پر بیٹھ کر یہ دعا پڑھتے تھے, اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد رسول الله حق والساعة حق. یہ ساری چیزوں کا, اے اللہ تیری ذات کا وجود بھی حق ہے, تیرا ہر وعدہ بھی سچا ہے, اور جنت بھی حق ہے, دوزخ بھی حق ہے, تیری ملاقات قیامت کے دن وہ بھی حق ہے, حساب و کتاب بھی حق ہے, میزان اور ترازو بھی حق ہے, اور محمد رسول اللہ کی رسالت بھی حق ہے, اور قیامت کا واقع ہونا بھی حق ہے. صبح تہجد کے وقت اٹھتے ہی اپنی امت کو یہ دعا سکھا کے یاد دلایا کہ جب روز صبح کرو تو شام تک کے لیے اپنی آخرت کو سامنے کے لیے دیکھو. ایک دن مرنا ہے, دوزخ بھی ہے, جنت بھی ہے, میزان بھی ہے, حساب و کتاب کا مسئلہ بھی ہے, قبر کا مسئلہ بھی ہے, ساری چیزیں حق ہے. یہ چیزوں کا جب استدار آیا تھا صحابہ کے مردوں میں, عورتوں میں, بچیوں میں, بچوں میں, تو پھر ان کی زندگی کا ہر عمل پھونک پھونک کر کرتے تھے. ان کا دیکھنا احتیاط والا, ان کا بولنا احتیاط والا, ان کا چلنا احتیاط والا, ان کا کمانا احتیاط والا. آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1443 سال پہلے جو علامت قیامت بتائی تھی اور قرب قیامت کی ساری برائیاں بتائی تھی, وہ دوسری قوموں میں نہیں مسلمان اس کو کر رہے. آپ نے یہ فرمایا. آج عام طور پر جنرل یہ دو چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانے میں قیامت کے قریب میں میری امت کے لوگ شراب کے نام بدل بدل کے پیئیں گے, شراب عام ہو جائے گی, نام انگلش میں نام کہتے دواؤں کے طور پر, پتہ نہیں کیا کیا باڈی بنانے کے لیے اکثر نشے والی چیزیں دوائی استعمال. حضور نے پہلے سے فرما دیا اور سود کو حلال کرنے کے چکر میں رہیں گے. جبکہ سود کو اللہ نے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے کہ سود کھانے والے کے ساتھ میرا جنگ ہے, اعلان جنگ ہے. تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات بتائی کہ آخر زمانے میں لوگ مسئلے ادھر ادھر پوچھ کر کے, گول گول پوچھ کر کے سودی لائنوں کو اور سودی اسکیموں کو حلال کرنے کے چکر میں پھریں گے, حرام کو حلال کرنے کے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. حضور نے فرمایا کہ یہ چیز ہونے والی ہے. ابھی میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی آج دنیا کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں, اس حدیث پر یہ عمل کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تمہاری عورتیں بے حیا ہو جائے گی اور تمہارے نوجوان بے قابو ہو جائے گی. کب فرما رہے ہیں؟ خیر القرون کے زمانے میں, جو بہترین زمانہ تھا اس زمانے میں فرما رہے ہیں اور اس ماحول میں فرما رہے ہیں. او لوگوں تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہاری عورتیں بے حیا بے پردہ ہو جائے گی
और तुम्हारे नौजवान बेकाबू हो जाएंगे। तो वो तो नूरानी माहौल था, कोई तसव्वुर में नहीं था कि हमारे मदीने की कोई लड़की बेहया हो सकती है। दूर दूर तक तसव्वुर नहीं था। इसलिए उन्होंने ताज्जुब से पूछा कि वही नदारी का लता इन या रसूल अल्लाह, अरे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसा भी दौर आएगा लोगों का कि औरतें भी हया हो जाएगी, नौजवान भी काबू हो जाएंगे। तो अल्लाह के प्यारे नबी हसन कसम खाकर फरमाए, वल्लजी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी सयकुनु व अशद मिनहु। उस अल्लाह की कसम खाकर के दम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, ये भी होगा इससे भी खतरनाक होगा। या रसूल अल्लाह वो क्या होगा? ये ऐसा दौर आएगा कि कई फतिकुम इदा लम युमर बिल मारूफ व लम युनहानिल मुनकर, कि जिस दावत की मेहनत के लिए मेरी उम्मत को दुनिया में भेजा और मेरी उम्मत को दुनिया आखिरत में फजाइल सुनाए, वो दावत का काम ही मेरी उम्मत छोड़ देगी। अभी मैंने कुरान की आयत ही बोले ना, कौन कौन खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए उम्मते मुहम्मदिया तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम इंसानों के नफे रसानी के लिए दुनिया में भेजे गए हैं और तुम्हारी रात दिन की जिम्मेदारियां तामुरून बिल मारूफ वतनहौना अनिल मुनकर, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ जोड़ते जाओ और अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को और नाफरमानियों में लगे हुओं को प्यार मोहब्बत के साथ नाफरमानियों से बचाओ, अच्छाइयों का माहौल बनाओ और बुराइयों का माहौल खत्म करो। इसी मकसद के लिए इस उम्मत के हर बच्चे बच्चे को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। ऐसे थोड़ा नबी करीम शासन में फरमाया, कयामत के दिन जन्नतियों की 120 सफे लगी होगी, उनमें से 80 सफे मेरी उम्मत के लोगों की होगी जन्नतियों। हालांकि 7 लाख नबी आए, हर नबी की कौम और उम्मत थी कितने और वो खरबों इंसान, उसमें से 40 सफे तमाम नबियों की उम्मत मिलकर होगी और सिर्फ 80 सफे इस उम्मत की हो। अल्लाह हम सबको इसमें शामिल करूंगा। और ऐसे ही फजीलत नहीं बताई कि कयामत के दिन जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होगी, जब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा किसी मुझसे पहले नबियों में से किसी को इजाजत नहीं मिलेगी, और फिर नबियों के बाद सबसे पहले दुनिया में आई मेरी उम्मत सबसे आखिर में, लेकिन सबसे पहले मेरी उम्मत को एंट्री मिलेगी, उसके बाद अगली उम्मतों को अल्लाह जन्नत में जाने देंगे। कैसे थोड़े सब फजाइल बताए इबादतों में, हमसे पहली उम्मत 500 बरस की उम्र गुजारी है और एक एक आदमी ने दरख्त के नीचे 500 साल अल्लाह अल्लाह करने में गुजारी है, तो फजीलत तो उनकी होती। हमारी तो 60 साल की जिंदगी, उसमें 15 साल तो नाबालिग के अंदर बच्चेपन में जाती है और उसके बाद फिर जो है दुनिया कमाने के अंदर गुजर जाती है। लेकिन सिर्फ निस्बत की वजह से इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, यह हमारे नबी की निस्बत से अल्लाह ने हमको इतना ऊंचा मकाम दिया। अपने मकाम को जानो मेरे दोस्त, और इस एतबार से अपनी जिम्मेदारियों को ओढ़ो। एक हदीस में इस उम्मत की फजीलत को बता दो, यूं फरमाया कि इस उम्मत को मेरे सच्चे तो अल्लाह जो प्यार करता है वो अगली उम्मतों से इतना प्यार नहीं करता। कैसे? मिसाल से समझाया कि देखो, एक आदमी ने उसको घर की तामीर या कुछ काम करवाना था फैक्ट्री में, कारखाने में, मकान में, तो उसने चंद आदमियों की जमात बुलाई फजर के बाद और फजर से लेकर जोहर तक काम करवाया, सबको एक एक दिरहम देकर रवाना कर दिया। दूसरी जमात बुलाई जोहर से लेकर असर तक उनको काम करवाया, एक एक दिरहम देकर रवाना फरमा दिया। तीसरी जमात को बुलाया, उनको सिर्फ असर से लेकर मगरिब तक में काम करवाया और सबको दो दो दिरहम दिए। कहा यहूद की मिसाल फजर से जोहर की, नसारा की मिसाल असर से जोहर से असर की, और मेरी उम्मत की मिसाल मगरिब असर से मगरिब तक की।
जिंदगियां भी छोटी और बदला बहुत डबल, यहूदों से डबल। आज हमें बदल नहीं है हमारे नबी, इस उम्मत मेरे दोस्तों मकसद को जाए, ये दावत की उम्र मेहनत के जरिए से हर कलमा पढ़ने वाला और हुजूर के हर उम्मती को ये बात समझाई जा रही है और समझी जा रही है कि भाई हमारी जिंदगियों का मकसद अल्लाह के दीन की सरबलंदी है। अगर मैं दुनिया में बड़ा बन गया, मिनिस्टर बन गया, मेरा बंगला बड़ा बन गया, लेकिन अल्लाह का दीन मेरी आंखों के सामने लोगों की जिंदगियों से निकल रहा है और लोग शराब के नशों में मर रहे हैं और लोग बगैर पढ़ने के मर रहे हैं और लोग आपराध करके घुटने से करके मर रहे हैं और रोज सरना मेरे पास पढ़ने आ रही है, लेकिन मैं मेरे बंगले और मेरी मेरी डिग्री और मेरी कमाइयों पर मुतमईन हूं। मेरे ऊपर थोड़ी ये खुशी बता रही, मैं मुझे पढ़नी चाहिए थोड़ी। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस काम की बुनियाद ही उम्मत का दर्द है। बुजुर्गों से सुनते हैं कि इनको प्यारे नबी वाला दर्द मिला, उम्मत की बेदीनी को देखकर, उम्मत की गफलत को देखकर, मस्जिदों से दूर, आखिरत की तैयारी से दूर, तो आपको चक्कर लगा है। और ये शार पढ़ते थे, किसी की शबे वस्त्र सोते कटे हैं, किसी की शबे हिजर रोते कटे हैं, इलाही शब मेरी कैसी, न सोते कटे हैं न रोते कटे। शबे वस्त्र मुलाकात की राह, शबे हिजर जुदाई की राह, मियां बीवी में झगड़ा हो गया, जुदाई हो गई, तो कहा कि जितनी जुदाई रोने में गुजरती है, जुदाई वालों की और मुलाकात वालों की सोने में गुजरती है, कैसा आई मेरी रात कैसी, न सोते गुजरे रोते। इनके अहलिया मोहतरमा निकल जाती, बोली जी तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें सर में दर्द है, तुम्हें पेट में दर्द है, तो एक ठंडी आप किस करीब फरमाते, अल्लाह की बंदी न सर में दर्द है न पेट में दर्द है, अल्लाह कहे तुझे जो मुझे जो हुआ है वो तुझे हो जाए, ताकि उम्मत के लिए दूर होने वाले हो जाए। अभी ये कहते थे कि या अल्लाह जिस उम्मत के लिए तेरे नबी अली सलाम ने पेट पर पत्थर बांधे, जिस उम्मत के लिए तेरे नबी अली सलाम ने घरवालों को दो दो महीने भूखे सुनाया, जिस उम्मत के लिए तेरे नबी अली सलाम ने अली को अल्लाह के रास्ते में भेजकर नवाजों को भूखे अपनी जबान में मुबारक चुसाई, बेटी को कसम भी दी बेटा थोड़ा थोड़ा सबर कर लो, अल्लाह के भेजने पर राजी हो जाओ, सहाबा को माने जा रहे हैं, हजरत यासीन वगैरह के घर वालों को माने जा रहे हैं और वो मदद के लिए हुजूर को पुकार रहे हैं, दरद के नीचे उनको कोड़ों से पिटाई हो रही है, या रसूल अल्लाह देखो हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही है, ईमान की उस वजह से आप हमारी मदद फरमाए, आप दूर से कह रहे हैं इस तिरु या अहला यासीन इन नमो की कुल जन्ना, दुनिया में खोए यासीन के दरवाजों थोड़े दिन का बसता है, तकलीफ उठा लो, अल्लाह ने तुम्हारे साथ जन्नत का वादा किया। इस उम्मत के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी गई और उसके बावजूद ये उम्मत के मानदारों का मान दीन को फैलाने के बजाय दीन इस्लाम को मिटाने में लग रहा है, इस उम्मत के जवानों की जवानियों की ताकत अल्लाह के दीन को मिटाने में लग रही है, इस उम्मत की जवान कवानियां लड़कियां का सड़कों पे डांस रही है और बेहया और बेपर्दगी के साथ घूम रही है। ए अल्लाह इस उम्मत के लिए तेरे नबी ने सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी, आज ये उम्मत दुश्मनों की गोद में बैठी हुई है, तो इनको हिदायत दे दे, ये दुआ मांग दे और पूरी पूरी रात बोल दे। अभी मैंने उलमा के अंदर एक बात कही, मौलाना इलिया साहब ने कहा कि
कि बड़े बड़े उलमा जब आप बीमार हो जाते थे तो बीमार कुर्सी के लिए आते थे और कहते थे हजरत आपको क्या बीमारी लग गई, क्या हुआ, तो आप दर्द से बयान करते थे तुम्हारा बीमार किया हुआ हो। हजरत हमारे बीमार किए हुए क्या, तुम भी नहीं आती इसलिए मैं बीमार हूं, अभी तुम सब जो है ये जमानों को लेकर निकल जाओ तो मैं अच्छा हो जाऊं, कैसा दर्द होगा। एक मतलब कहने लगे ये मेरा जो काम है अल्लाह ने मेरे ऐसे काम को जो चलाया है क्या ये रांड का रोना है और विवाह औरत का रोना है, इसकी शिकवे शिकायत उसका रोना है। क्या कोई औरत जवान है, छोटे छोटे बच्चे हैं और उसका शोहर जवानी में इंतकाल कर गया तो घर में जो भी करना चाहता है बिजली का बिल भरने का होगा, हाय मेरे शोहर नहीं हुए, मेरे शोहर होते तो मेरे घर का बिजली का बिल भर देते, बच्चों की स्कूल की फीस का मसला है, हाय मेरे शोहर नहीं हुए, मेरे शोहर होते तो मेरे बच्चों की स्कूल की फीस भर देते, ऐसे हर तकाजे पर और हर तकलीफ पर शोहर को याद करती है। क्या इस रास्ते में इतना निकलो इतना निकलो जो उम्र की गहरी थी उम्र की बच्चे बच्ची थी उम्र की जहानत को देकर हाय हमारे नबी नहीं हुए, हमारे नबी होते तो ये उम्र कैसे नहीं हो। इस रास्ते में निकलकर नबी वाला दर्द और गम रहना, ये ऐसे ही पूरी दुनिया में काम नहीं फिर गया बयानों से तस्वीरों से, कुर्बानियां लगी है लाखों लोगों की, लोग अपने घर के बर्तन बेच कर भी निकले हैं, भेड़ों को बेच कर निकले हैं, बकरियों को बेच कर निकले हैं, बीवियों के सेवक को बेच कर निकले हैं, लाखों लोगों की जिंदगियां खप गई कब्रों में चले गए, अल्लाह के दर की ठोकरें खाते खाते कब्रों में चले गए, हजारों लोगों की अपने वतन से दूर मुल्कों में खबरें कर गई, कुछ न कुछ करके ने सहाबा की झलक को जिंदा कर दिया। अब मेरे दोस्तों फिकर की ये बात है कि हमारे बड़ों ने और हमारे अमलों ने जो बर्तन बेचकर और जमीनों के प्लॉट बेचकर और बीवियों के जेवर बेच करके हम तक ये दावत की मेहनत अमानत के तौर पर पहुंचाई, अब हम अपने दरबार में मुंह डाले इस अमानत के साथ हमारा क्या बर्ताव है। जिसके पास अमानत का नहीं उसका तो ईमान ही नहीं, तो खाली अमानत है हम क्या समझते कोई ने मानतोड़ के रखने रखे कि ये मेरी अमानत है, बस इसी को अमानत समझते हैं। अमानत की बहुत सारी किस्में हो सकती, ये दावत का काम भी अमानत है जो हमारे अगलों ने कुर्बानियां दे देकर हम तक पहुंचाई। हमारे बाप दादाओं ने हमारे हमारे शहर के और हमारी बस्ती के बड़े लोगों ने बुजुर्गों ने अक्सर मैं कहा करता हूं 1964 के अंदर मेरे दादा ने मेरे अप्पा को अपना खेत बेच करके एक साल की जमानत में भेजे थे। मेरे दादाजी कहते थे मेरे अप्पा के अक्सर कारण कि बेटा मेरे को एक साल भेजने के लिए दादा ने खेत बेचा था 1964 में, ये तो मुझे खबर है मेरे घर की, वरना हजारों लाखों ऐसे लोग होंगे जिन्हों ने जमीनों के प्लॉट देखे खेत देखे इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए, इन्होंने अपना मकसद समझा था दावत के काम को ओढ़ना बिछोना बनाया था, तो इनके लिए चांदनी चावल करना, चार महीने जाना, साल मेरे जाना और बीवी का जेवर बेचना और घर के बर्तन बेचना संपूर्ण आराम था, जैसे सहाबा के लिए छोटी से बड़ी कुर्बानी आसान थी। एक मरतबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने सदके की तरकीब दी कि भाई सदका निकालो, अल्लाह के रास्ते में सदके की जरूरत है यानी माल की जरूरत है तब तब माल सदका करो। एक सहाबी रज़ियल्लाहु इनका एक हाथ कटा हुआ एक पैर कटा हुआ, किसी से किसी से उनके पास तो कुछ था नहीं देने के लिए अल्लाह के रास्ते में देने के लिए, तो घिसकते हुए किसी यहूदी के बाप तक पहुंच गए और उसको कहा कि भाई तू मुझे अपने कुएं पर बिठा दे, मैं हाथ और पैर की मदद से रोज खींचूंगा और तेरे बाप के दरख्तों को जो है मैं दो पानी पिलाऊंगा, इसके बदले में तू मुझे खजूरें दे दे, थोड़ी सी क्या हो तेरी मजदूरी समझी हो, थोड़ी सी मेहनत की चंद खजूरें मुट्ठी पर आ गई, कहने पर सब मेरा काम हो गया, वो लेकर आए जब लेकर आए उस जमाने के नामा गुनाह थे।
يؤمنون الا قليلا منهم. کہ یہ نارائن منافق ہمارے مخلص بندوں کی مذاق اڑا رہے ہیں. ان کے پاس بولے دیکھو تو صحیح اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے اور اتنی ہی کھجوروں سے اس کا کیا ہوگا. بولا یہ کانوں کشمی کرتے ہیں اور ہنسی اڑاتے ہیں. میں سبھی لوگ معلوم ہوں آج یہ ہمارے مخلص بچوں کی مذاق اڑاتے ہیں پر قیامت کے دن میں مذاق اڑاؤں گا. یہ راستہ اتنا مبارک ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے. اولاد کی شکل میں ہو, جوانی کی شکل میں ہو, طاقت کی شکل میں ہو, صلاحیت کی شکل میں ہو, مال پیسے کی شکل میں, سب چیز دیا ہوا سرمایہ اللہ کا ہمارے پاس امانت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ قیامت کے دن ہر کلمہ پڑھنے والے کو وہ پانچ سوال ہوں گے جواب نہیں دے سکے گا وہاں تک میدان محشر سے ہٹ نہیں سکتا. اس میں زندگی کے ہر سانس کا سوال ہوگا, جوانی کی طاقت کے بارے میں سوال ہوگا, مال کیسے کمایا تھا وہ بھی سوال ہوگا. کمانے کے بعد بھی تم مالک نہیں تھا, تم امیر ہے, امانت دار ہے, تم نے جھگڑا کر دیا خواہشوں کے پیچھے اور گناہوں میں کتنا لگایا اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر کتنا لگایا, قیامت کے دن اللہ پائی پائی کا حساب لیں گے. تو اس مبارک محنت کے ذریعے سے میرے دوستوں یہ بات مذاکرہ کیا جاتا ہے کہ ہماری زندگی جان مال اللہ کی دی ہوئی امانت اور اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگانا ہے. اللہ کی مرضی کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے. تو سب سے زیادہ آپ کی سیرت پڑھو, آپ کی زندگی کا اکثر حصہ اور آپ کے پاس جو بھی اللہ نے مال پہنچایا مال کا اکثر حصہ اللہ کے دین کی محنت میں اور دعوت پر لگا دو. اور ہماری کیا قربانی آپ میرے دوستو جھیلے چار مہینے کی کچھ قربانی نہیں ہے, صرف جذبات کی قربانی ہے اور اپنے اسباب کو چھوڑ کر جانے کی قربانی ہے. اسی نے تو اللہ کہا رہا ہے آخر زمانے کی امت کمزور ہے, ہم لوگ کمزور اس لیے اللہ نے ہماری حیثیت کے مطابق ہم سے قربانی لے رہا. ورنہ یہ صحابی رضی اللہ عنہ کا نام میں بھول گیا, وہ فرماتے فرزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم نقل الا الجراح, کہ سات سفر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے کے ہوئے, ساتوں سفر میں ہمارے لیے کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں تھی, تین کھا کر جو ہم نے تو دن گزارے. یہ تو اڑنے کھیتوں میں اڑنے والی کتیا تھا, وہ کتیاں کھا کر کے ہم نے دن گزارے. کئی صاحب نے درخت پتے درختوں کے پتے جما کر گزارے, تب جا کے یہ دین کی امانت ہم تک پہنچی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ بس صرف ہم دنیا کی زندگی بنانے میں لگے. تین غلط فہمیوں کو دور کرنا مقصود ہے, دھیان سے سنو. تین غلط فہمیاں, سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہو گئی ہے مسلمان کو جان لے لیے مار دے رہا ہے, میں جانتا ہوں میری مرضی چاہے لگاؤ, تم کون مجھے بچلا دینے والے کہ اللہ کے راستے میں لگاؤ, جہاں میں لگاؤ, اللہ کے راستے میں جاؤ. یہ غلط فہمی ہے, نہ جان ہماری ہے نہ مار ہمارا, اللہ کی امانت ہے, اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگانا پڑے. دوسری طرف پھر یہ ہو گئی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور زندگی کی ضرورت ہے, ضرورت کو مقصد بنا لیا اور مقصد کو ضرورت کے درجے میں رکھ دیا. مقصد ہمارا کیا ہے, وہ خلق تو جینا والی سیتا لیا حضور کوئی تو خیر امتی کو خریدت لینا, یہ دو مقصد ہے. دین کو سیکھو, دین پر عمل کرو اور دین کے سوگات کو لے کر لوگوں کو تقسیم کرو, اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلاؤ. یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے, مقصد. اور ضرورت کیا ہے, یہ ضرورت کھانا پینا روٹی کپڑا پکڑ, یہ ضرورت کی چیز ہے.
जबर पे आदमी को इतना रखना चाहिए। इसलिए वहां अमर दास साहब के बयान में मैंने सुना, हजरत जी से नजर करते थे कि हजरत जी ये जरूरत है, जरूरत उसका माना ये जरूरत से है, जरूरत के माना नुकसान। देखिए जरूरत का नाम जरूरत इसलिए रखा कि आदमी को इतनी जरूरत पूरा करने की शिद्दत से जरूरत पड़े कि अगर ये जरूरत पूरी नहीं करेगा तो नुकसान में पड़ेगा, तो फिर उस जरूरत को पूरा करना। जैसे प्यास, आदमी को प्यास लगी, इतनी प्यास लगी कि अब ये नहीं पानी पिएगा तो उसकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी, बोला इसको जरूरत कहते हैं। पेशा खाने की हालत नहीं लगती तो भी कोई नहीं जाता, और जब वो काम में मजबूर है इतना जितना कंट्रोल कर सकता है करता है वो पेशा और खाने को, लेकिन कहता क्या अब नहीं जाऊंगा ना तो करने पड़ जाएंगे या फिर निकल जाएगा पीछे से, तो फिर वो भागता है। इसको ये जरूरत है, पेशा पकाने की जरूरत है, और उसको वो पूरी करता है। पहले से एडवांस नहीं बैठ जाता कि अंदर जाने के बाद बैठूंगा, उसके बाद 15 मिनट के बाद प्रेशर आएगा, कोई करता है नहीं। जब एकदम जरूरत पूरी होती है टकाना तो वो फोन मारता है, क्या जरूरत इसको देते है, और हमको 4 घंटे में हमारी रोजी मिल जाती है और जरूरत पूरी हो जाती है, आज की रोजी मिल जाती है तो भी हम 12 घंटे बैठे रहते मिल जाते। तो जरूरतों को मकसद बना लिया और जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा था उस मकसद को हमने जरूरत के दर्जे में चिल्ले में अभी नहीं कर सकते हैं। अभी तो सीजन चल रही है, खेती वाले दे रहे अभी तो हमारे खेती काटने का जमाना है, दुकान वाले दे रहे अभी तो दिवाली की सीजन चल रही है, नौकरी वाले लेते हैं कि अभी पुराने महीने में छुट्टी मिलेगी जब हम जाएंगे या रिटायर होंगे जब जाएंगे। ये जरूरत के दर्जे में रख के हालांकि ये जुलम है, ये जुलम है। मकसद हमारी जिंदगी का ये है रोटी कपड़ा मकान जो चलते फिरते उसको पूरा कर लेंगे, लेकिन सबसे जिंदगी का मकसद हमारा दीन पर चलना, दीन सीखना और दीन की मेहनत करना, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, सबसे बड़ी चीज हमारी आखिरत की फिक्र है। हाँ, इतने सालों से हम चीजों में जा रहे हैं, तकवा तो क्या रहेगा, जैसे ये सहाबा का तकवा में सुना कि वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अभी तुम रोजा पूरा आखिरत की तैयारी कर, तो उन्होंने आसमान के लिए कहा एक बकरी दे दो, मैं पैसे दे देते उसकी कीमत, क्या कीमत है, मेरी थोड़ी है, तो मेरा मालिक ही है जो मदीने में है, तो मालिक कहां देखने वाला है, मालिक को दे दो, मैं भेजा खा गया पूरे भाई का। अरे तुम तो ये मुझे सिखा दियो कि मालिक के सामने झूठ बोल देना, अल्लाह तो इसको तुम्हारी बातें सुन रहा है, वो तो देख रहा है, अल्लाह से कह रहा है आज तो झूठ बोलते में बोल रहे पैसे कमा दूंगा, कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, अल्लाह को वो दिखाने का इसके हजार का तनहाई होने और झूठ बोल करके और नौकरी घेर करके खयानत कर करके कमा सकते हैं पैसे, लेकिन नहीं कमाए मजा उनका ईमान उनको हराम खाने दे, ईमान अल्लाह ने आज हमको भी दिया है लेकिन मेहनत नहीं हुई है, इसके लिए ये ईमान का सिक्का चलता नहीं, हमको चलाता नहीं, हमको झूठ से नहीं बताता है, हराम कमाइयों से नहीं बताता, एक दूसरे को धोखा देने से नहीं बताता, सीनाकारी से नहीं बताता, तन्हाइयों में मोबाइल में बंद नजरियों से नहीं बताता। ये ईमान कमजोर है, आखिरत का इंतजार नहीं, गुनाहों से बचने पर अल्लाह क्या देंगे उसका इंतजार नहीं, नमाजों पर अल्लाह क्या देंगे, तो मैं कह रहा हूं कि 3-4 महीना जाने के बाद तकवा तो क्या फायदा होगा, फजर की नमाज की पाबंदी हमारी नहीं हो रही, अभी तो फिर भी सर्दी की लंबी रातें हैं तो कुछ लोग आ जाते हैं पत्थर को जाने, बाकी जब सर्दी की रातें छोटी रातें होती है उस वक्त तो बस मस्जिदें खाली हो जाए, अभी भी ऐसा ही है, अभी भी 50% भी नहीं है, 2 या 5% फजर की नमाज में होते, हालांकि फजर की नमाज की जितनी सारी फजीलतें हैं, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों हमें देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये कयामत के आखिर का जमाना है, ये सब आकाश देने वाले तो उसमें बता, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के तो
14 साल पेड़ में बता दिया था कि ये होगा ये होगा ये होगा, फिर सारी ये निशानियां जारी हो जाए तो फिर तुम इंतजार करना कि कयामत करीब है। इमाम मेहदी भी आ रही है, बड़ी बड़ी निशानियां पाती है बस। लेकिन हमको अपनी परवाह नहीं है, हम तो बस गफलत की नींद सो रहे हैं। हालांकि कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का, और मान की मोहब्बत हमारे दिलों में खून खून के भरी है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आखिर जमाने में तुमको खत्म करने के लिए दुनिया के दुश्मन, इस्लामी दुश्मन सारी कौमें एक हो जाएगी, और ऐसे एक हो जाएगी जैसे दस्तरखान पर खाने के लिए चावल को जब पाते और टूट पड़ गए, ऐसे सब एक होकर के मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। सहाबा ने ताज्जुब से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी, हम लोग कम होंगे तो इनकी इतने हौसले होंगे दुश्मनों के? कहना तादाद तो दुश्मनों से कई गुना ज्यादा तुम्हारी होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर दो बुराइयां पैदा हो जाएगी, एक माल की मोहब्बत और एक मौत का डर। ये दो ही चीजें हमको चिल्ले में जाने से रोक रही है। बीवियों की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत, हालांकि कुरान में साफ बताने का कोई इंकार ना आओ तुम अपना क्या चीजें गिनाई। अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलादे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे खानदान और कबीले वाले, और तुम्हारे वो माल जिसको तुम जोर जोर कर रखते हो, और तुम्हारी वो तिजारत और कारोबार जिसमें खोट आने से डरते हो, और तुम्हारे वो बंगले और मकान जिसमें रहने को तुम पसंद करते हो, अगर ये आठ चीजें तुमको अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और अल्लाह के दीन की मेहनत से ज्यादा प्यारी है तो भी इंतजार करो, अल्लाह की पकड़ कभी भी आ सकती। ये मैं आयत का तर्जुमा सुना रहा हूं, तफसील में नहीं जा रहा हूं। लेकिन कौन सुनता है और किसको यकीन है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये इतनी समर्पित ताकत वाली मेहनत है कि खुदा पाक की कसम, हर मुसलमान मर्द और औरत इस मेहनत में लग जाएंगे तो पूरी दुनिया में पूरा कुरान जिंदगियों में जिंदा हो जाएगा। किसी साथी ने या किसी आलिम ने, मैंने इनके बयान में मिसाल सुनी, देखो एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, बिल्कुल जुमा भी नहीं पढ़ रहा, और तुम उसकी मुलाकात के ले गए और उनको खूब खूब समझाया और उसको जमात में भेजा, अब ये पांच वक्त का नमाजी बन गया। तो नमाज के बारे में कुरान में 700 आयतें हैं, तो अगर ये खाली नमाज पढ़ता हो गया 700 आयतों पर उसका अमल आ गया, 6000 आयतों में से 700 आयतों पर मुसलमान का अमल आ गया। अगर 5 वक्त का नमाजी है तो जितनी आयतें नमाज के बारे में है, इतनी आयतें सदा के बारे में है। अगर कोई मानदार जकात नहीं देता था, उसको समझाया, नमाज में भेजा, उसने सब वही से सुनी, तो पिछले कई सालों की जकात भी निकाली और हर साल की जकात निकालने वाला हो गया, तो उसने जकात की 700 आयतों पर अमल कर लिया। खाली नमाज और जकात उम्मत में जिंदा हो गई तो उम्मत में कुरान की 6000 आयतों में से 1400 आयतों पर अमल जिंदा हो गया। इतनी ताकत और मेहनत है। आंखों का दिन भी कुरान में है, जबान का दिन भी कुरान में है, इनका समा वल बसरा वल फुआद कुल उलाइक काना अनहु मसूला। कयामत के दिन हर मुसलमान से उसकी आंखों के बारे में भी पूछा जाएगा, इसकी ज़बानों के बारे में, इसके दिल के बारे में। इसको बनाना है अच्छा बंगला और अच्छी गाड़ी में जो, तो इसको इसको बनाने के पीछे जिंदगी को दाव पे नहीं लगाना है, आंखों को बनाना, कानों को बनाना, दिल को बनाना। अल्लाह कुरान में फरमाया, यौम ला यनफऊ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। कयामत के दिन इंसान को माल और औलाद नफा नहीं देगी, हाँ तो अपने दिल को संवार के लाया होगा। जो दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत, दिल में अल्लाह का खौफ और तक्वा, दिल के अंदर अच्छाइयां बन जाया होगा और अच्छा दिल बना के लाया होगा, उसको नजात मिलेगी। हमारी जिंदगियों को कीमती बनाना है, और ये जिंदगियां माल और मुल्क से और कपड़ों से नहीं बनेगी, जिंदगियां कीमती बनेगी
पर खड़ा रहने वाला पुलिस वाला हर वक्त उसको ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे गाड़ियां गुजरती रहती है। अब ये पान खाने चला जा रहा है, सिगरेट पीने चला जा रहा है, होटल पास में है तो कहीं खाने चला गया, अब कितनों के एक्सीडेंट होंगे, कितनों की मंजिल अटक जाएगी। ताकि ऐसा ही इस उम्मत के हर कलमा पढ़ने वाले की मिसाल है कि लोग ढूंढ के ढूंढ बगैर ईमान के और ईमान से निकल कर इत्तिलाद में जा रहे हैं, और हम अपने कारोबार में, खाने पीने में, घूमने फिरने में और इसमें लगे हुए हैं। इसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाया, इधर उधर की छोर कारमा क्यों लूटे गए, मुझे रहजनों से जिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। नबी ने ये हर भ्रम ने पुराने धर्म का हिंदू बन गया, पुराने धर्म का ईसाई बन गया, पिताजु कर रहे तो ये क्यों हो गया, इनके पास जाना चाहिए ना तुमको। हुजूर अपन चाहता कि हम उम्मती है, आलमी नदी की आलमी उम्मत है, एक एक उम्मती पूरी उम्मत का जिम्मेदार है, पूरे आलम का जिम्मेदार। सहाबा ने इस बात को समझा था तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर साहब की वफात के बाद जब मदीना के 5 किलोमीटर की दूरी पर लोग मुंतकिल हो गए, हजारों की तादाद में लोग जो नए मुसलमान हुए थे कबीलों वाले, जब नबी दुनिया में नहीं रहे तो इस्लाम भी नहीं रहा, तो वो सब मुंतकिल हो रहे थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक एक को निकाला और 150 जमात के और सबको और खुद एक जमात में शरीक हो गए। लोग अच्छे अच्छे सहाबा, बड़े बड़े सहाबा राय देने लगे, हजरत यहाँ यहूदी भी मदीने में रहते हैं, आप सबको बाहर निकालोगे तो फिर ये हुजूर साहब की पाक बीवियां है, हमारी अपनी सबकी औरतें हैं, और ये लोग हमला कर देंगे तो औरतों की इज्जत लूटेंगे, औरतों को शहीद कर देंगे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, देखो ये सारी तकलीफें मुझे बर्दाश्त है, अगर हुजूर शासन की पाक बीवियों को यहूदी लोग शहीद कर दे, उनको कोई दफन करने वाला ना हो, उनकी नासों को कुत्ते नोच जाए, ये सब सदमा मैं झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे जीते जी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत का इतना बड़ा मजमा ईमान से निकल गया, कयामत के मैदान में हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। दिल मिट जाओ और मैं जीता हूं आगे मरे तक, अरे मेरे दोस्तों उम्मत का क्या काम, हमें अपने भी बच्चों का दर्द नहीं है। मेरे सामने मेरा जवान बेटा फजर में सो रहा है और मैं तस्बीह लेके तहज्जुद में मस्जिद में आता हूँ, और बल्कि उसका अगर कम्बल उतरा हुआ है तो उसको और बढ़ता बेटा और ज्यादा जानवर में जाए, जरा भी एहसास नहीं, और तारीफ भी उस बेटे की तारीफ भी बोल मारो छोकरो इतने एक नंबर नो, कोई फोटी कूदे नहीं, कोई लड़ा बीड़ी सिगरेट ना पिए, पड़ी की ना खाए, हाजी साहब तो मैं छोकर फजर में तो 6 महीना की ना डालो, अरे ये जरा दुआ करो खाली फजर पाबंदी खाली खाली इसको मामूल समझते हैं। खुदा की कसम अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह का हुक्म भी सबसे बड़ा, सातों आसमान और जमीन की दौलतों से एक हुक्म नमाज का अल्लाह बड़ा, अल्लाह का बड़ा, उसकी जरूर है तो तुम दुआ करो कि यार सुधर जाओ नमाज पढ़ जाओ, बाकी ऐसी कोई खोटी कुटे नहीं है। दिलों में से एहसास खत्म हो गया है, दीन के बड़े से बड़ा नुकसान का हमें कोई सदमा नहीं हो रहा है, और दुनिया का मामूली नुकसान पर हम मातम करते हैं। हाय हाय गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दरवाजा टूट गया, यार 5,000 का खर्चा हो गया, अब के दिन शोक मनाता है, और वो करोड़ों की फजर की नमाज नहीं पढ़ी, कई महीनों से नहीं पढ़ता, इसका कोई एहसास नहीं, दिनों से खत्म हो। हालांकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल ईमान तेरा जब होगा, जब अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने से तुझे दुनिया मिलने जैसे इससे भी ज्यादा खुशी पैदा हो जाए, और अल्लाह का हुक्म टूटने से तुझे बेचैनी पैदा हो जाए, यह ईमान अल्लाह के यहाँ तेरा मोतबर है, ये कैफियत वाला ईमान तेरे यहां अल्लाह अल्लाह चाहते हैं। अपने ईमान की खैर मनाए मेरे दोस्तों, फिकर करे इसकी, वरना कमा का नियम तबूतुन, जैसे जिंदगी गुजारोगे ऐसे मौत आएगी, और जैसे मरोगे कयामत के मैदान में उन्हीं पोजीशनों में और हालतों में उठाया जाएगा।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. اور حالانکہ اللہ نے ہر مسلمان سے مطالبہ کیا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو کے مرنا ہے تم کو، مسلمان ہو کے مرنا ہے. میرے بزرگ اور بھائیوں، اپنی زندگیوں میں آخرت کا فکر آئے، امت کا فکر آئے، اپنی زندگیاں شریعت اور سنت پر آئے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. ہمارے آقا رسول پاک علیہ السلام نے ایمان کی کیٹیگری بتائی کہ اتنا ایمان تو ہر مسلمان کو پیدا کرنا ہے، تاکہ والا اس کا ایمان اللہ کے حکموں پر چلاوے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے. اور سب سے زیادہ مولانا محمد ناصر جی نے مثال سنا رہا تھا کہ حضرت فرما رہے کہ جب آدمی ایمان پر محنت نہیں کر، جیسے دکان پر اور اپنی نوکری پر اور اپنی انکم کا جو بھی ذریعہ ہے، اگر اس پر دھیان نہیں دیتا تو دھیرے دھیرے وہ کھاتے میں اتر جاتا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کلاس اور فقیر بن جاتا ہے، سارا سرمایہ لوٹ جاتا ہے. ایسے ہی ایمان اللہ کا دیا ہوا سرمایہ ہے، اس کے بنانے کی محنت نہیں کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جب بھنڈا کرے گا تو ایمان والا ڈرے گا نہیں، بلکہ گناہوں میں مزہ آئے گا اس کو. اور کہو کہ فرماتے ہیں کہ جس دن گناہوں میں مزہ آنے لگے اور اللہ کے حکم ٹوٹنے کا احساس ختم ہو جائے، تو سمجھ لو کہ اس کے ایمان جانے کا وقت آ گیا، دل سے ایمان نکلنے کا وقت آ گیا. اور بھی مثال دیتے ہیں، کسی آدمی کو کھیت میں کام کرتا تھا اور سانپ یا بچھو نے اس کو دس لیا، اب اس کو زہر اتر گیا، اب پورے جسم میں اگر اتر گیا ہے تو حکیم یا کوئی بھی علاج کرنے والا چیک کرنے کے لیے بھائی کہاں تک اس کو زہر پہنچا ہے، چیک کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ نیم کی پتیاں گرائے کہ دیکھو کیسی لگتی ہے، کڑوی لگتی ہے. اگر وہ دسا ہوا آدمی یوں کہے بہت میٹھی لگتی ہے، تو سمجھ لو کہ اب اس کی زندگی کے جانے کا، جان نکلنے کا وقت ہے. کیونکہ جب یہ کڑوی ہے اور اس کو میٹھی لگ رہی ہے تو زبان تک زہر کا اثر چلا گیا ہے، اب یہ تھوڑی گھڑیوں کا مہمان ہے. اور اگر یہ کہے کہ نہیں مجھے تو کڑوی لگتی ہے نیم کی پتیاں، تو سمجھ لو ابھی زہر زیادہ نہیں چڑھا ہے، اب اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو ایسے ہی جب ایمان والے کو اللہ کی نافرمانیوں میں مزہ آنے لگے تو سمجھ لے کہ اس کے ایمان نکلنے کا ٹائم آ گیا، ایمان سے محروم ہو جائے. اس لیے میرے بزرگ اور بھائیو، یہ تو معطل محنت کرنی ہے. بس حکیم نے میرے دوستو ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ میں بھی کچھ لوگ جب یہ دنیا کی لائن سے اتر گئے تو پھر ان کا بھی ایمان چلا گیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں منافق بن گئے. آئے تھے پہلے دن ایمان کا سچا مسلمان بن کر اور کلمہ پڑھ کر، لیکن بعد میں ان کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے جو ہے ایمان سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا. ان میں سے ایک صالحہ نام کا آدمی تھا، پہلے جب کلمہ پڑھا مدینہ کا رہنے والا تھا، پکا مسلمان تھا، لیکن اس کو مقدر سے اللہ نے غریب بنایا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آشر کا، یا رسول اللہ میرے گھر میں تنگی بہت بڑھ گئی ہے، آپ برکت کی دعا کر دیجیے، میرا مال بڑھ جائے، میری تنگی دور ہو جائے. حضور پاک علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، نصیحت کی کہ دیکھو مال بڑھانے کی دعا مت کرو، جس پوزیشن میں اللہ نے رکھا ہے تم راضی رہو، راضی رہو. پھر بھی انہوں نے اصرار کیا تو حضور پاک علیہ السلام نے دعا کر دی. اب حضور کی دعا ہے، مسجد نبی کے پاس رہتے تھا وہ صحابہ، اور بکریاں چند بکریاں تھی، لیکن جب دعا کروا دی اور بکریاں اتنی بڑھ گئی کہ پہلے والوں نے کہا ہم کو تنگی ہوتی ہے چلنے پھرنے میں، اس لیے تم جو ہے باہر زمین خرید کر کے مدینے کے باہر چلے جاؤ. جب پہلے چند بکریاں تھی، 500 وقت کی نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ ہوتی تھی، اور جب جب بھی مجلس لگتی تھی تو مجلس میں بھی شرکت ہوتی تھی، دین کے سیکھنے کے حلقوں میں بھی وہ جڑتے تھے صحابہ نام کا آدمی. لیکن اس کے بعد جب دودھ چلا گیا تو اس کے بعد بکریوں کی مشغولی بڑھی، دھیرے دھیرے ایک دو نماز اپنی جگہ پر پڑھنے لگا، اور پھر دین میں سے 5 میں سے 2 نمازیں پڑھنے لگا. پھر بہت زیادہ جب بکریاں بڑھ گئی
और ज्यादा दूर बड़ी जमीन ली और वहां पर बकरियों का पूरा रेवर मैदानों से भरा हुआ मैदान से भरा हुआ, और उसके बाद जुमा की हाजिरी खाती रही, यहां तक कि जुमा की हाजिरी भी खत्म हो गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मौजूद है, आपकी सोहबत में इनका आना जाना था, आपके पीछे नमाज पढ़ रहा था पांच वक्त की, लेकिन ये माल की मोहब्बत देखो कहां तक पहुंचा दी है, जुमा भी छुड़वा दी, पांचों नमाजें भी छुड़वा दी, हुजूर की मजलिस से भी छुड़वा दी, और जब ज़कात का, जानवरों की ज़कात का और खेतियों की ज़कात का हुक्म अल्लाह की तरफ से आया, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने दो सहाबी को कहा, जाओ सौदावा के पास बहुत बकरियां बढ़ गई है, इनके पास से बकरियों की ज़कात ले आओ। जब वो दोनों वहां पहुंचे और कहा कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको भेजा है काजी ने, आप जो है बकरियों की कैसी ज़कात, सोने चांदी की हो सकती है, रुपये पैसे की, ये इसकी कैसी ज़कात, कि भाई तुम हाजिरी नहीं देते तो तुमको मसला ही मालूम नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको भेजा है, तो अच्छा जाओ जी तुम आगे दूसरों की वसूल करके आओ, फिर मैं सोचता हूँ जब वो वसूल कर गया है कैसा है, बोला दामन में लेके आऊंगा मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़कात लेके आऊंगा। बस इन्होंने इनकार नहीं किया कि नहीं दूंगा, लेकिन शक किया और टाल मटोल किया माल की मोहब्बत की वजह से। ये वहां जैसे मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, उनके रास्ते में थे और उनके आने से पहले कुरान की आयतें उसके बारे में नाजिल हो गई, वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनस्वद्दकन्ना वलनकूनन्ना मिनस्सालिहीन فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ। اللہ نے پورا اس کا منظر بیان کر دیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں نے آپ کو دعا کرواتے ہو یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم میں خوب سکتا دوں گا, जब अल्लाह मेरे को मान लेंगे मैं खूब अल्लाह के रास्ते में लगाऊंगा और अपनी जान भी लगाऊंगा, माल भी लगाऊंगा और बहुत नेक बन जाऊंगा, इबादत गुजार बन जाऊंगा। जब अल्लाह ने उनको मान दिया आसमान के लिए, बखीलू भी वो बखील बन गए और माल को रोक लिया, यहाँ तक कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी की, तो अल्लाह ने भी इनके दिलों पर निफाक का सिक्का लगा दिया, अब ये कयामत तक मुनाफिक रहेंगे। कितनी खतरनाक चीज है माल, इसलिए हमारे नबी अकरम ने फरमाया कि मुझे मेरी उम्मत पर फकीरी और तंगी पर खौफ नहीं है कि वो तंगी से आज ही जाकर के सब मुर्तद हो जाएंगे, मुझे ज्यादातर मेरी उम्मत के मालदारों पर खौफ है कि जब इनको अल्लाह खूब माल की फरामी देगा तो ये दौड़ लगाने में लग जाएंगे, फिर ये दुनिया उनको हलाक और बर्बाद कर देगी। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, इसके लिए अपनी जिंदगियों पर रहम खाओ, बहुत फास जमाना जा रहा है, जिंदगी बहुत पानी की तरह बर्फ की तरह पिघल रही है, तो हम हिम्मत करें, इरादे करें, देखो अब तक जिनके चार महीने लगे वो भी और जिनके पहले